भिवंडी से HBT24 न्यूज़ की रिपोर्ट। भिवंडी में JD ग्रुप जावेद फारूकी द्वारा पत्रकारों का सम्मान व सत्कार समारोह आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम भिवंडी शहर के शानदार मार्केट जावेद फारूकी के कार्यालय के सामने रखा गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भिवंडी पूर्व के आमदार रुपेश दादा महात्रे रहे। इनके साथ मंच पर भिवंडी मनपा के माजी उप महापौर व नगर सेवक अहमद सिद्दीकी के हाथों से भिवंडी के सम्माननीय पत्रकारों का सम्मान व सत्कार किया गया। इस कार्यक्रम के बीच आमदार महात्रे साहब ने कहा कि देश के लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है पत्रकार। इन्हें हम सभी लोगों को सम्मान देना ही चाहिए। शहर में हर छोटी बड़ी घटनाओं की जानकारी लेकर शासन व प्रशासन व जनता तक पहुंचाने का कार्य करता आ रहा है पत्रकार। दिन हो या रात बड़ी जिम्मेदारियों के साथ अपने कर्तव्य का पालन करता आ रहा है पत्रकार। इसलिए मैं कहूंगा हर किसी को पत्रकारों को सम्मान देना चाहिए। इस कार्यक्रम में मौजूद आमदार रुपेश महात्रे, भिवंडी मनपा के उप महापौर व नगर सेवक अहमद सिद्दीकी, समाज सेवक तौसीफ भूरे, शिवसेना अल्पसंख्यक विभाग अध्यक्ष नईम अंसारी, शिवसेना कार्यकर्ता तारिक काजी, रवीश मोमिन, इनके साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ता व समाज सेवक कार्यक्रम में मौजूद थे। आज के इस प्रोग्राम में उपस्थित हमारे अजीज दोस्त भिवंडी महापालिका के माजी उप महापौर अहमद सिद्दीकी जी, हमारे अल्पसंख्यक के शहर अध्यक्ष नईम भाई, हमारे अजीज दोस्त तौसीफ भूरे साहब, इस प्रोग्राम के आयोजक
जेडी, अभी जेडी का मतलब मैं नहीं बताऊंगा। सही है, सही है। और दूसरे हमारे आयोजक इमाम भाई, उपस्थित सभी मान्यवर, सामने बैठे हुए सभी हमारे आदरणीय पत्रकार, उपस्थित सभी समाज सेवा में जिनको नवाजा गया, वो सभी भाइयों, वैसे तो पत्रकारों का सम्मान प्रोग्राम में मुझे बताया गया कि पत्रकारों का सम्मान है, पत्रकारों का सम्मान जो है अपने दिल से होना चाहिए। और हम एक दिन नहीं तो पूरे साल भर, क्योंकि जहां भी कुछ गलत चीजें होती है उनको सामने लाने का काम पत्रकार करते हैं, जो अच्छी चीजें होती है उनको बढ़ावा देने का काम पत्रकारों के माध्यमों से होता है। रात देर रात कभी भी कोई समस्या या कोई बड़ी दुर्घटना चाहे कोई घटना हो, प्रशासन जिसका उससे ताल्लुक रहता है वो हाजिर रहते हैं, सियासती लोग रहते हैं, लेकिन उनसे सबसे पहले वहां पर पहुंचने का काम पत्रकार करते हैं। तो ये जो हमारे देश का लोकशाही का चौथा स्तंभ जिसको माना गया है वो पत्रकार है, और उनका आदर सम्मान जो है हमेशा अपने दिल में रहना चाहिए, और हम सब करते हैं। और पत्रकार भी अपनी अपनी जिम्मेदारियां है जो पूरे जिम्मेदारी से निभाते भी है। आज उनका यहाँ पर सम्मान है, मुझे निश्चित रूप से बहुत आनंद हो रहा है। साथ ही साथ जो समाज के लिए कुछ अच्छा योगदान देते हैं, अच्छा काम करते हैं, उन सभी समाज सेवकों का यहाँ पर सम्मान हुआ है। कुछ लोग जो है अपने स्वार्थ के लिए समाज की सेवा करते हैं, दिखावा करते हैं, उसमें से अपने को कुछ मिलना चाहिए उम्मीद करते हैं, लेकिन ऐसे लोग जो है जो समाज के लिए पूरा टाइम देते हैं, पूरा काम करते हैं, उसमें से उनको खुद को कुछ नहीं मिलता, फिर भी उनको एक आनंद समाधान मिलता है, और वो समाधान लोग जो है ये समाज सेवक होते हैं, और इनका यहाँ पर सम्मान करना, मैं आयोजकों का मनपूर्वक यहाँ पर अभिनंदन करूंगा कि समाज के दो लोगों का उन्होंने अच्छे से यहाँ पर सम्मान किया है, जो सामाजिक काम करते हैं और जो समाज के लिए अपनी जान जोखिम में डाल के अच्छा बुराई को सामने लाने की कोशिश करते वो पत्रकार, ऐसे लोगों का सम्मान करना है। मैं तो इमाम भाई और यहाँ पर हमारे इमाम भाई और जावेद भाई का मैं उनकी तारीफ करूँ, क्योंकि बहुत से लोग जो है ऐसे लोगों का सम्मान करते हैं जिनसे कुछ फायदा हो, लेकिन उन्होंने कुछ उम्मीद ना रखते हुए समाज के लिए अच्छा काम